इंदौर में सीनियर सिटीजन के लिए भी नियम कानून और कायदों की जानकारी उन्हें मिल सके, इसके लिए सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल की स्थापना की मांग की गई है। इंदौर के लीगल एडवाइजर दीप्ति सुतारिया ने यह मांग की है कि देश में बुजुर्गों के लिए ऐसे मंच तैयार किए जाए जहां पर वह अपनी शिकायत दर्ज करा सके और यहां पर बुजुर्गों की शिकायत को फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह लिया जाए और जहां पर उनकी शिकायत का निर्णय एक सप्ताह में ही सामने आ सके। इंदौर की एक लीगल एडवाइजर दीप्ति सुतारिया ने सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करने की मांग की है। एडवाइजर का कहना है कि यहां कंज्यूमर कोर्ट, कुटुंब न्यायालय सहित कई ऐसे मंच हैं जहां पर सीनियर सिटीजन की समस्याओं के लिए व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें वह भी सही न्याय नहीं मिलता। इसलिए अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि वरिष्ठ नागरिक अपनी पीड़ा को लेकर कहां जाए, क्योंकि कई वरिष्ठ नागरिकों को सरकार के द्वारा दिए गए अधिकारों की जानकारी भी नहीं होती। ने मांग की है कि उनके लिए एक ऐसा प्राधिकरण तैयार किया जाए जहां पर जाकर सीनियर सिटीजन अपनी शिकायत दर्ज करा सके और इस प्राधिकरण में फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह कार्य किया जाए और उसका निर्णय एक सप्ताह में सामने लाया जाए। मैडम बताएं क्या उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसके लिए आ जाते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। और इंदौर एक बहुत सुंदर शहर है और मेरा यहाँ पर आने का आपके सुंदर शहर में एक ही कारण है कि वरिष्ठ नागरिकों को लेकर के मेरी मुलाकात कमिश्नर साहब से हुई थी। और अभी सुनने में ये आया है कुछ एक दिन पहले ही कि म्यूनिसिपल इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ एक लोगों ने वरिष्ठ नागरिकों के साथ में कहीं उनको शिप्रा नदी के वहाँ पर छुड़वा दिया था, लेकिन बाद में हमारे जो सीएम साहब हैं और हमारे कमिश्नर साहब, उन्होंने सबने ये इमीडिएटली एक एक्शन लेकर के उनको वापस शहर में लेकर आए। तो सबसे पहली बात तो यही कि मैं यही बात करने आप सब लोगों से आई हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार क्या हैं, उनकी सेफ्टी के लिए उनकी सुरक्षा की बात अब होनी चाहिए और उनके जो अधिकार हैं वो उनको दिलाए जाने चाहिए। इसी के लिए मैंने ये कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मैं चाहती हूँ कि अब जो समय आया है, हम महिलाओं के ऊपर बात कर चुके हैं, महिलाओं का शोषण तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, वहीं अब हम देख रहे हैं कि आते आते पुरुषों का विचारों का जिनका शोषण हो रहा है वो बिल्कुल चुप हैं, पुरुष वर्ग खामोश है। लेकिन अब जब अगर हम सिर्फ महिलाओं की बात करें तो लेट मी ऑल्सो स्पीक अबाउट द सीनियर सिटीजन्स कि चलिए अब पुरुषों की तरफ तो ध्यान जा ही नहीं रहा है समाज का कि उनके साथ क्या शोषण हो रहा है, तो चलिए फिर सीनियर सिटीजन्स की बात कर लेते हैं कि उनके साथ क्या शोषण हो रहा है। कम से कम वहाँ तो हम पुरुष वर्ग को सम्मान दें, कम से कम वहाँ तो माता को सम्मान दें, पिता को सम्मान दें, उतना ही बहुत है मेरे लिए। तो इसीलिए मैं आई हूँ आपके शहर में, इसी के लिए आई वॉन्ट टू स्पीक टू ऑल ऑफ यू कि ये अब बंद होना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, कितना बेहतर कर सकते हैं, हम सब मिलके एक सुंदर समाज बना सकते हैं और हमारी घर की जो बहुएँ बेटियाँ हैं वो भी समझे कि अब वक्त आ गया है कि आपको बाहर नहीं आपको अंदर झांकना है। जब घर ही आपका सुंदर नहीं होगा तो आप बाहर समाज को कहाँ सुंदर बना सकेंगे। आप देश में जगह जगह घूमते रहते हैं तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हालत खराब है जहाँ बुजुर्गों पर ज़्यादा शोषण हो रहा है। खर मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से अंशुल मुकाती की रिपोर्ट।